डर्माड्यूब फेस वॉश, इसे हेगड़े हेगड़े फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक रहता है वह 100 ml का, कॉस्ट 220 रुपया के ऊपर हो सकता है। और इसकी जो पैक रहती है वह जो कि 100 ml का, लेकिन हमारे हाथ में जो है वह सैंपल पैक है। इसका जो पैक है वह जो कि 50 ml का है, यह बिचता नहीं है, डॉक्टरों के लिए दिया जाता है उनके यूजेस के लिए। और इसका जो पैक में जो इंग्रेडिएंट है वह एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, पी एक्सट्रैक्ट है, और यह सल्फेट फ्री नेचुरल मॉइस्चराइजिंग बेस में है। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऐड किए गए काफ़ी अच्छे ऐड किए गए हैं, जो कि जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है तब इस्तेमाल किया जाता है, या जैसे आपके अंदर एक्सेसिव सेबम प्रोडक्शन, ऑयलनेस का ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है तब। तो जैसे कि आप इसका कैसे आप इस्तेमाल करना है और कैसे आपको इसे यूज करना है, जैसे कि क्या डो आप इसका कितनी क्वांटिटी में लेके कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकता है, अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें डर्माड्यू फेस वॉश देखने को मिलता है। ये फेस वॉश ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा आसमानी कलर में दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा इसका लुक है, काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो पैकिंग है काफ़ी टाइट एंड पैकिंग है, और इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वह जैसे कि ज़्यादा ही आपको सेबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन वाले स्किन रहते हैं जिसमें आपको तकलीफ हो सकती है जैसे पिंपल्स के, तब ये जैसे कि आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर कम हो जाता है, यानी आपकी स्किन ज़्यादा बेजान से रूखी सूखी रहती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी स्किन को यह नरिश करता है, स्किन को थोड़ा सा जो कि मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, और स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। तो जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है स्किन का, जैसे कि आप पिंपल्स वगैरह का, या जैसे कि आपके स्किन का पीलिंग वगैरह हुआ है, तो ये बहुत बेस्ट, उस समय बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता है। तो जैसे कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे आप आइसोट्रेटिनोइन यूज कर रहे हैं, जैसे आपका पिंपल्स, यहाँ से जैसे कि आप पिंपल्स का ट्रीटमेंट चलता है आपका, तो उसमें जो कि आप आइसोट्रेटिनोइन लेते हैं तो उस समय आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, तो उस समय आपकी स्किन को जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो इसमें मिल जाता है, और आपकी स्किन को मॉइस्ट बनाए रखने के लिए इसमें इसका जो यूज़ किया गया वो अच्छा है, जिसके अंदर ऐड किया गया कि एलोवेरा है, और जो कि मॉइस्चराइजिंग बेस है, तो ये हेल्प करता है पी स्ट्राइक इसके अंदर स्किन को लाइटन करता है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है कि ये सेबम को प्रोडक्शन को कम करता है, यानी ऑयलनेस को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में आपको जैसे कि पिंपल्स होने के चांसेस, डर्ट वगैरह नहीं रहते हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि अगर आपका पिंपल्स वाला स्किन है, यानी आपको जब ज़्यादा सेंसिटिव स्किन रहती है तो उस समय आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जलन होती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जलन बहुत ही कम होगी, क्योंकि ये सल्फेट फ्री है, यानी इसमें सल्फेट नहीं ऐड किया गया है, और ये काफ़ी अच्छा बेस में है। तो ये सेबम को कम करता है, स्किन को नरिश करता है, और स्किन को मॉइस्ट करता है। तो इसके यूज करने के बारे में बात करें तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर की सलाह से इसे परचेस नहीं करें। जब आप परचेस करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको सील देखने को मिलेगा, आप सील को कुछ इस तरह से आप इसका ब्रोक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और जैसे सील टूटेगी तो अपने हाथ पे लेके आपको इसी तरह से यूज करना है। ऐसे अपने हाथ पे ले लिए, और पहले अपने हाथ पे ही आपको उसको फेस बनाना है, हाथ पे ले लीजिए कुछ इस तरह से, और इसको अपने हाथ में ही पहले आपको फेस बनाना है, आप ऐसा ऐसा कुछ फेस बनाइए। जब ऐसा आपको हाथ में फेस बन जाता है तो इसे अपने आपको फेस पे लगाना है, क्योंकि आप अपने हाथ पे से अपने फेस बनाए तो जो भी अगर इसमें कुछ आपका जो पोर ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं वह कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका हाथ पे इसने बनाया, जो आप फोम आता है वह अपने फेस पे लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका पोर ब्लॉक नहीं होता और आपको आगे वाले जो समस्या रहती है पिंपल्स की वह कम हो जाती है। इसका जो फेस काफ़ी अच्छा है, और इसका जो फेस है काफ़ी फोमी है, यानी बहुत ही मुलायम सॉफ्ट है, यानी एक क्रीमी फील आपको लगेगा जब आप इसको यूज करेंगे ना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसके लिए मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर आप कुछ यूज करेंगे तो आपको इरिटेशन देखने को मिल सकता है, ईचिंग देखने को मिल सकता है, और थोड़ा स्किन का जलनपन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप वीडियो चैनल में पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डाउट डायरेक्ट वीडियो मुझे पूछ सकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी